नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों सुमिता सिंह आप देख सकते हैं इस समय मौजूद है, जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर पहुंची हुई हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 12 राउंड रहते हैं और अभी तो कितना हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं। पब्लिक का सपोर्ट बड़ा मार्जन है, 10,000 विधानसभा में अभी आगे ही चल रहे हैं। अभी तो अभी 2 लाख वोट रहती है जी मैम, 500 विधानसभा में अभी आगे 2 लाख। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं अभी घर तक, थोड़ा सुबह के निकले 6:30 बजे। क्या लगा आपको कहाँ पर कमजोरी रह गई मैम, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। 12 राउंड पड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी फिलहाल तस्वीरों में, जैसा कि सुमिता सिंह है उनका कहना है 12 राउंड अभी पड़े हैं, हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर बनी हुई है। और पांचों विधानसभा, जैसा कि आपको दिखाया, पांचों विधानसभा के अंदर अभी बीजेपी आगे चल रही है, हालांकि कहीं पर ज्यादा गैप नहीं है, कहीं पर जो गैप है वो 400 का है, लेकिन ज्यादातर विधानसभा जो है पांचों में उनमें गैप थोड़ा बड़ा गैप है। तो ऐसे में उसे कवर कैसे होगा, क्योंकि अभी उनका कहना 12 राउंड पड़े हैं, तो 12 राउंड के बाद क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। लगातार बता दें अभी जो रिप्रेजेंट बता दें जो खुद प्रत्याशी जो है वो करनाल विधानसभा कांग्रेस की सुमिता सिंह पूर्व MLA हैं, वो पहुंची यहां पर, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा है कि अभी तो जो रुझान चल रहे हैं अभी तो उसमें 12 राउंड हैं और चेहरे पर एक मुस्कान जरूर है, और फिलहाल देखने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन फिलहाल लगातार आप तक हम जानकारी पहुंचाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। हालांकि अभी और क्या फासला आया है, क्या कुछ निकल कर आया है, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे सुमिता सिंह यहां पर पहुंची, और बता दें इस समय करनाल के जो रुझान है उनमें लीडिंग करते हुए जगमोहन आनंद को अभी 26,425 वोट जो है उसमें वो प्लस चल रहे हैं। कितने से प्लस चल रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन सुमिता सिंह विर्क जो है 16,252 वोट जो कि रुझानों में आते हैं, दोनों में फासला प्लस में चल रहा है इस समय। 10,173 वोट जगमोहन आनंद, 10,173 वोट जगमोहन आनंद प्लस में चल रहे हैं, यानी गैप जो है वो 10,000 वोटों का, जो कि एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में और आम आदमी पार्टी में, और आपको हमने बताया कि अभी 25,893 वोटों से पीछे है, तो ऐसे में टक्कर तो दोनों के बीच ही है। तो ऐसे में जगमोहन आनंद और सुमिता सिंह विर्क, सुमिता सिंह अभी खुद पहुंची, उन्होंने बोला कि अभी 12 राउंड बाकी हैं और अभी तो 12 राउंड में धीरे धीरे ये गैप कवर हो जाएगा। अभी फिलहाल गैप तो अभी 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 की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा वोटों का गैप है इस समय, कैसे कवर होगा आने वाले टाइम में अभी पता लगेगा। आपको रुझान अभी बता रहे हैं लगातार, अभी फिलहाल कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी, जो बता दें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना है कि पांचों विधानसभा में वो जीतेंगे, लेकिन अभी खुद सुमिता सिंह यहाँ पहुंचती है, उनका ये कहना है कि वो अभी 12 जो राउंड आने हैं उनके अंदर ये सारा गैप कवर हो जाएगा और जीत उनकी होगी। करनाल से उन्होंने बोला जीत उनकी होगी। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ रुझान है आपको कुछ और विधानसभा के भी बताते हैं। घरोंडा की बात करें तो घरोंडा में 20,795 वोट रविंद्र कल्याण, 14,841 वोट वीरेंद्र राठौर, दोनों में फर्क है 5,954 वोटों का। प्लस में कौन? प्लस में है हरविंदर कल्याण। तो ये दूसरी विधानसभा हरविंदर कल्याण भाजपा फिर से लगातार आगे बनी हुई है। तीसरी विधानसभा की जानकारी देते हैं, इंद्री विधानसभा से राम कुमार कश्यप चल रहे हैं प्लस में, प्लस में चल रहे हैं। कितने पहले वोट बताएं तो 27,881 वोट और 27,054 वोट है राकेश कंबोज को, दोनों में फर्क ज्यादा नहीं। पहली बार लगभग 400 वोटों का, पहले 141 था, फिर होते होते 400 साढ़े 400, अब बढ़ता, यानी गैप नहीं है, दोनों के बीच टक्कर बनी हुई है। इंद्र विधानसभा में टक्कर बनी हुई है अभी तक, वहां पर प्लस में है 827 वोट आगे राम कुमार कश्यप भाजपा से। तो ऐसे में अभी जो इंद्री है, इंद्री में ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक जो काउंटिंग है इंद्री में जो हुई है वो आपको बताई, फर्क 827 वोट का। अगली विधानसभा की जानकारी देते हैं, असंध पर आ जाते हैं। असंध पर है योगेंद्र सिंह राणा और है शमशेर सिंह गोगी, दोनों के बीच में फासला कितना? योगेंद्र सिंह राणा को 10,229 वोट और शमशेर सिंह गोगी को 7,894 वोट, दोनों के बीच फासला कितना? 2,335 वोटों का। किसके हक में? योगेंद्र सिंह राणा के हक में, प्लस में वोट योगेंद्र सिंह राणा को। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सभी जो विधानसभा है उनमें अभी भाजपा ही सबसे आगे चल रही है। अमनदीप सिंह है
1625 वोट आम आदमी पार्टी जो कि 8604 वोटों से पीछे है। तो अभी फिलहाल टक्कर है कांग्रेस भाजपा के बीच हर जगह पर। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी 2335 वोट का जो फासला है वो प्लस में है गोविंदर राणा के असंध में। तो ऐसे में गोविंदर राणा अभी लीडिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगली विधानसभा की जानकारी देते हैं। अब आ जाते हैं नीलोखेड़ी पर। तो भाजपा प्रत्याशी जो कि भगवान दास कबीरपंथी इस समय प्लस में चल रहे हैं, लगातार प्लस 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 भाजपा के लिए। अभी फिलहाल 17573 वोट जो है वो लीडिंग में आते हुए भगवान दास कबीरपंथी और 15190 वोट पर धर्मपाल गोंदर, दोनों के बीच फासला लगभग 2383 वोट का फासला। किसके हक में ज्यादा जा रहा, किसके हक में? भगवान दास कबीरपंथी प्लस में है, भाजपा का अभी तक हर जगह पर प्लस है। तो और यहाँ पर जो इंद्री विधानसभा है वहां पर गैप ज्यादा नहीं है, वहां पर गैप है सिर्फ और सिर्फ लगभग 800 वोटों के आसपास का। तो अभी क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन पांचों विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल नजर सबकी करनाल के आसपास हर जगह पर हर गांव में। लेकिन फिलहाल तस्वीरें करनाल से और कितनी ज्यादा वोट जो आपको बताई हमने करनाल की, फिर से आखिरी में आपको हम बताने का प्रयास लगातार कर रहे थे कि कितनी ज्यादा वोटों से करनाल में लीडिंग हो रही है, करनाल के अंदर सबकी नजर है कि आखिर करनाल में कौन आगे है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन जीतेगा। अभी पहुंची थी सुमिता सिंह जिनसे बात हमारी हुई, 10173 वोटों पे प्लस है जगमोहन आनंद, बोला 12 राउंड अभी देखने हैं, 12 राउंड आएंगे। सुमिता सिंह ने कहा अभी जीत उनकी होगी करनाल से, फिलहाल किसकी होगी आप कमेंट सेक्शन बताइए। आप सभी से निवेदन को शेयर करें, फिर से जुड़े 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।